हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ग्रीन एप्पल की चटनी और उसी के साथ मैं आपको दिखाने वाली हूँ फटाफट एक ड्रिंक की रेसिपी, स्पाइसड ग्रीन एप्पल मॉकटेल। ये चटनी वैसे तो मेरे यहाँ हमेशा बनती है और ये चटनी बहुत ही टेम्पटिंग टेस्टी है। रोटी के साथ खाओ या नान के साथ खाओ, पराठे के साथ खाओ या फिर पुलाव के साथ खाओ, सभी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतर जाता है। लेकिन इसका जाम के रूप में भी यूज कर सकते हैं, बच्चे इसे ब्रेड पर भी लगाकर खा सकते हैं। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी चटनी है और इसी चटनी को मेरे बच्चे पानी में घोलकर आराम से उसका ड्रिंक बनाकर पीते थे। तो मुझे उसी से एक आइडिया आया कि आपको इसकी एक मॉकटेल की भी रेसिपी मैं दिखाई देती हूँ, क्योंकि ये बनाने में तो आसान है ही, पीने में बेहद ज़्यादा टेस्टी है। तो इस रेसिपी को बिल्कुल मिस ना करें, इसे एंड तक ज़रूर देखें और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली और स्वागत है आपका कुक विद वैशाली में। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो ग्रीन एप्पल चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए एक ग्रीन एप्पल जो मीडियम साइज़ का है और ये फ्रेश है। इसको मैंने धो लिया है और इसको अब मैं काटने वाली हूँ। तो काटते समय इसको हम क्यूब्स में काटेंगे और ये फ्रेश होने के कारण बहुत ही क्रंची है, तो इसीलिए काटने में थोड़ी सी दिक्कत तो होगी लेकिन बहुत ही बढ़िया इसकी चटनी बनेगी। स्किन को वैसे ही रखें, स्किन को निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैं तो रख रही हूँ। अगर आप चाहें तो स्किन को निकाल भी सकते हैं, तो मैं तो स्किन के साथ ही इसको काट रही हूँ। छोटे छोटे टुकड़ों में मैं इसको काट लूँगी पहले तो, ताकि दिखने में भी अच्छा दिखे। और हमारा ग्रीन एप्पल यहाँ पे कट के रेडी हो चुका है, तो इसको मैं शिफ्ट करूँगी पैन में। अब मैं डाल रही हूँ उसके ऊपर चीनी। एक ग्रीन एप्पल है, लगभग एक से डेढ़ कप के टुकड़े हुए थे उसके, तो मैंने एक कप चीनी डाल दी है इसमें, ताकि इसकी खटास को ये चीनी बैलेंस करे। अब हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे गैस पर पकाना है। इसमें ज़रा सा भी पानी मैंने नहीं डाला है और ना ही डालने वाली हूँ। बिना पानी के ही इस चीनी को हम मेल्ट करेंगे, क्योंकि एप्पल में पानी का कंटेंट होता ही है, तो चीनी भी आराम से मेल्ट हो जाएगी। बस थोड़ा सा वक्त लगने वाला है लेकिन चीनी आराम से मेल्ट हो जाएगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ टेस्ट के लिए। 1/4 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद इसको फिर से चलाएं। और ये जब हम बना रहे हैं चटनी, तो ये मोटी तली की पैन में बनाना ज़रूरी होता है। अगर पतली तली की पैन में बनाएंगे तो ये जलने लगेगी चीनी। हमें चीनी को जलाना नहीं है, हमें चीनी को मेल्ट करना है। अब मैं थोड़ी देर ढक के रखूँगी। ढक के रखने से क्या होगा, ये जल्दी पकेगा एप्पल और चीनी भी बहुत जल्दी, देखिए मेल्ट भी हो चुकी है और इसमें उबाल भी आ चुका है। लेकिन ये थोड़ी पतली है तो इसको गाढ़ा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एप्पल पकने में तो बिल्कुल समय लगता ही नहीं, ये जल्दी पक जाते हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे नींबू का जूस। 1 टेबलस्पून नींबू का जूस डाल रही हूँ, क्योंकि ये चीनी अब ज़्यादा गाढ़ी होके क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगी, उसे रोकना ज़रूरी है, इसीलिए नींबू का जूस डाला है। थोड़ा सा टेस्ट और तीखा चाहिए इस चटनी का, तो मैंने डाली है 3 लाल मिर्च बारीक कटी हुई। मिर्च को बिल्कुल पेस्ट ना बनाएं, काट कर ही डालें, तभी ये अच्छी लगेगी और दिखेगी भी अच्छी इस चटनी में। अब ये चटनी सफिशिएंट गाढ़ी हो चुकी है, तो अब हम इसमें मिलाएंगे जीरा पाउडर। रोस्टेड क्यूमिन सीड का पाउडर मैं डालूंगी 1 चम्मच। इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन इसे एंड में ही डालें वरना इसका फ्लेवर उड़ जाता है पकाते समय। अब मैं जीरा पाउडर मिक्स कर दूंगी और यहाँ पे गैस को बंद कर दूंगी, क्योंकि ये चटनी रेडी हो चुकी है। अब इसे हम पूरी तरह से कूल करेंगे, ठंडा होने देंगे, उसके बाद मैं आपको इसे सर्व भी करके दिखाऊंगी। और ठंडी होने के बाद आप देख सकते हैं चटनी कितनी बढ़िया दिख रही है। इसमें जो एप्पल हमने डाले हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गए हैं और ये जो चीनी की चाशनी है वो भी पूरी तरह से गाढ़ी हो चुकी है और ये खाने में बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो आप देख सकते हैं चटनी बहुत ही बढ़िया बन चुकी है यहाँ पे।
अब चलिए इसी चटनी को मैं आपको नजदीक से दिखा देती हूँ कि कितना शाइन उसके ऊपर आ गया है। ये चीनी की वजह से और नींबू की वजह से आता है। और इसी के साथ हम एक फटाफट ड्रिंक भी बनाते हैं, उसे भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ग्लास में लिए है कुछ आइस क्यूब्स। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच चटनी। तो है ना फ्रेंड्स, ये आसान रेसिपी, फटाफट बनने वाली टेम्पटिंग स्पाइसी मीठी खट्टी एप्पल की चटनी, जो दो तरीके से काम आ सकती है। इसका ड्रिंक भी बना सकते हैं और इसको हम रोजाना खा भी सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून लेमन जूस। लेमन जूस डालना बहुत ज़रूरी है, तभी इस ड्रिंक में बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब हम इसमें डाल देंगे स्पार्कलिंग वाटर। आप कोई भी सोडा यूज़ कर सकते हैं, आप मीठा सोडा भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब हल्के से थोड़ी देर चम्मच से इसको मिक्स कर ले, क्योंकि ये चटनी गाढ़ी है। अगर आप ड्रिंक के लिए ही ये चटनी बनाना चाहते हो इस रेसिपी को देखने के बाद, तो थोड़ी पतली भी बना सकते हैं आप चटनी। अब मैं सजाऊंगी 1 एप्पल स्लाइस के साथ, ताकि ड्रिंक दिखने में भी बहुत बढ़िया दिखे। और ये हमारा मॉकटेल तैयार हो चुका है, स्पाइस्ड ग्रीन एप्पल मॉकटेल। अब मैं 2 एप्पल स्लाइस इसके ऊपर भी डाल दूंगी। तो लीजिए, तैयार है हमारा स्पाइस्ड एप्पल मॉकटेल। थोड़ा सा सजा दिया है मैंने उसके ऊपर पुदीने का पत्ता। और दोनों रेसिपीज हमारी तैयार हो चुकी है। तो इस रेसिपी को बिल्कुल मिस ना करें, इसे एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। इस रेसिपी को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगली बार फिर से मिलूंगी एक बढ़िया सी नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।